है। अभी आपको ईएफटी का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, पता है किसी को? यस मैम, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। यस, एक्चुअली ये जो एनएलपी एनएलपी है वो भी यही काम करता है, लेकिन उनकी अलग टेक्निक्स है, उनकी स्पेशलाइजेशंस अलग चीजों में है। और ये जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, जिसमें ऑलरेडी इमोशनल वर्ड आपको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में अगर ईएफटी को बोलूं, तो ये हम जो है इमोशनल एक्यूपंचर कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्यूपंचर होता है आपको पता है ना, यस मैम, तो एक्यूपंचर ये हम लोग इमोशनल एक्यूपंचर कर रहे हैं। ये इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, ये अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज है जो फिजिकल पेन एज वेल एज इमोशनल डिस्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है। ठीक है, उनको रिलीज करती है। जैसे उसमें लिखा है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, तो जो भी इमोशंस स्टोर्ड है आपकी बॉडी में उनको रिलीज करती है। इसके मेरे पास इतने ज्यादा एग्जांपल्स हैं कि लोगों के एक एक सेशन में कितने पेन चले गए, कितनी लाइफ में चेंजेस आ गए। इवन सिचुएशन में भी अगर आप किसी चीज की बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा आपको बुरा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ में आया ही क्यों, ऐसा वैसा, तो जैसे ही आप ईएफटी करते हैं ना, आपको आपका एनर्जी इंस्टेंटली चेंज होता है। जैसे क्वांटम में क्या इंस्टेंटली चेंज होता है, ऐसे ही यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे ईएफटी तो इंस्टेंटली चेंज होता है। एक्चुअली ये टैपिंग मेथड है, यहाँ पे आपका जो कराटे चॉप होता है इसमें आप बहुत हल्के हल्के से जस्ट स्लोली, मतलब ऐसे जोर जोर से नहीं मारना है, धीरे धीरे आपको यहाँ टैप करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे इमोशंस स्टोर होते हैं। ठीक है, ये मैं पर्सनली बहुत मैंने किया। ठीक है, वो आपके जो छोटे छोटे बॉडी में पेन रहता है, अननेसेसरी के भी पेन आ जाते हैं कभी कभी, कह रहे ये हो रहा है वो हो रहा है, पर इसका कोई मतलब नहीं है। बस इसलिए हो रहा है क्योंकि काम ज्यादा कर लिया, या धूप में चले गए तो गर्मी जैसी लग रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए आप फटफट कर सकते हैं। मेरे इनफैक्ट मैंने यहाँ तक लोगों का किया है कि लोगों ने मुझे एयरपोर्ट से कॉल किया कि पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा लग रहा है अंदर से, मतलब बच्चे जब जाते हैं फ्लाइट से अपने पढ़ने के लिए फॉरिन कंट्रीज, तो कई बार बहुत एंजाइटी रहती है कि कहीं कुछ हो ना जाए, फ्लाइट को कुछ ना हो जाए, बच्चा सेफ पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, यू नो, बिना, जिसको बोलते हैं ना। उसने बोला कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा रास्ते में, उसका फ्लाइट गिर जाएगा। ये क्या है? इट इज जस्ट अ थॉट। देन माँ का सुन के बेटी को भी टेंशन होने लग गया कि मम्मी ऐसे क्यों सोच रही, तो वो तो बेचारी वैसे ही ट्रैवल करने वाली है, उसका तो और भी प्रॉब्लम हो गया। मतलब एक तो ये कि जो ट्रैवल नहीं कर रहा है वो भी सोच रहा है, और एक है जो ट्रैवल कर रहा है और उसको ये लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं हो जाएगा कुछ, तो कितना टेंशन वाली बात होती है। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना फोन बाथरूम में जाओ, एयरपोर्ट पे दोनों माँ बेटी बैठो, जो मैं आपको बोलती जा रही हूँ बस उसको आप रिपीट करो। और उन्होंने एक आध सेशन लिया हुआ था मुझसे, तो उनको पता था कि कौन से पॉइंट्स होते हैं ईएफटी में जो हम टैप करते हैं, फेस पे, हाथ पे, फिंगर्स पे, तो उनको मालूम था। तो दोनों ने वहां बैठे, इनफैक्ट 15-20 मिनट में तो उनका थॉट पैटर्न ही चेंज हो गया। उनको ऐसा लगा जैसे जिस ये जर्नी बहुत आराम से होने वाली है, सब कुछ ठीक है। ये जो गैरी क्रेग है, उन्होंने ये टेक्निक इन्वेंट की थी, ही इज द फाउंडर। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये बॉडी और स्पेशली हमारे फेस और हमारी बॉडी में, अपर बॉडी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर हम टैप करें तो वहां पे जो हमारे क्या होता है, जैसे ही हम नेगेटिव थॉट पैटर्न में जाते हैं, हमारे वो सेल्स इकट्ठे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी एनर्जीज को ब्लॉक करते हैं, तो जैसे ही हम टैपिंग करना शुरू करते हैं तो वो ब्लॉक सारे निकल जाते हैं। इसमें दो तीन टेक्निक्स हैं जो धीरे धीरे मैं आपको बताती जाऊंगी, पर हम पहले बेसिक चीज उसकी सीख लेते हैं। उनका कहना ये है गैरी क्रेग का, कि जो जो एनर्जी ब्लॉक आ रहा है हमारे अंदर, वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस की वजह से होता है। अगर हम उन इमोशंस को ही रिलीज कर दें तो हमारी वो जो प्रॉब्लम बॉडी में हो रही है या इमोशनल हमको प्रॉब्लम हो रही है, वो अपने आप रिलीज हो जाएगा, एंड वी विल बी इन अ वेरी हाई एनर्जी मूड। ठीक है, तो
तो जब हमको ये पता है कि इसमें एक ऐसी चीज है जिसको हम यूज कर सकते हैं और इसको हम अपनी जो हमारा बॉडी है उसको हम फ्री कर सकते हैं किसी भी इमोशन से, जो कि फ्यूचर में जाके शायद और कोई हैवी पैटर्न बन जाए, वो एनर्जी और भी ज्यादा वहां लॉक्ड हो जाए, ब्लॉक हो जाए। तो इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये है कि जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम टैप करें, या दूसरा हम केवल और केवल यहाँ पे टैप करें। ठीक है, मैं पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी, वो आप लिख लीजिएगा, और नहीं तो बहुत सारी चीजें आपको, ये पॉइंट्स तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज नॉट आर मेन सब्जेक्ट, तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं कि व्हाट आर ईएफटी पॉइंट्स, तो वो आपको वो 8-9-10 पॉइंट बताएगा, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख भी सकते हैं बाद में, अपना गूगल करके भी देख सकते हैं अगर टाइम है तो और आप करना चाहें तो। जैसे हम एक्यूपंचर में हम पॉइंट्स को, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ही पंचर करके ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब एक फिक्स पॉइंट्स है जिनको हमको टैप करना होता है, और जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसके साथ साथ हम उसको पहले, अगर मान लीजिए आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम के साथ साथ कभी ऐसा नहीं होता कि इमोशनल प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आपको कुछ तो फीलिंग आ रहा होगा, जैसे कोई कहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, इतना दर्द है कि मैं मर जाऊं, या मेरे को कुछ हो जाएगा, या मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हर सेंटेंस जो आपका क्लाइंट बोलता है आपको लिखते जाना है, ठीक है। सो जैसे ही आप वो बोलते हैं प्लस आप टैपिंग करते, चाहे आप केवल एक यही टैपिंग कर रहे हैं, तो जैसे ही आप टैपिंग करना शुरू करेंगे और जो कुछ भी आपके क्लाइंट ने बोला, कि जैसे हिंदी में बोलेंगे यद्यपि और इंग्लिश में बोलेंगे इवन दो आई हैव पेन इन माय स्टमक, आई फील वेरी बैड, आई फील लाइक आई एम डाइंग नाउ, सो जैसे जैसे आप उसके इमोशंस के ऊपर काम करते जाएंगे, दो हमने लिया वो फिजिकल पेन ही है मेन जो है आपका, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रही हूँ, जो आपका मेन इश्यू है उसको हम बोलेंगे इवन दो आई हैव दिस प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे इवन दो आई हैव स्टमक पेन, अब स्टमक पेन में कैसा पेन है वो मेरे, वो भी आप उसमें डालेंगे कि मेरे ना अपर टमी में दर्द हो रहा है, मेरा अपर टमी बहुत दुख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें बहुत बर्निंग हो रही है, और पहले आप सारे फिजिकल जितने भी लक्षण है उसके वो आप लिखेंगे, ठीक है, अपना पहले अपना काम आप करेंगे, इवन दो आई हैव पेन इन माय स्टमक, अब वो पेन कैसा है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मांग लो, कि कहाँ पे हो रहा है, कि भाई मेरे पेट के एकदम बीचों बीच हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, नेवल के ऊपर हो रहा है, और कैसा लग रहा है आपको, कि नहीं मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बर्निंग हो रहा है मेरे पेट के अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस अब मरने वाला हूँ, इतना ज्यादा पेन है, ये है वो है, तो जो भी वो इमोशंस लेके आए एक्स वाई जेड सारे लिखो आप सारे, ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में कुछ सेंटेंस आते हैं, स्टिल आई चूज टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, हील एंड इंटीग्रेट दैट पार्ट ऑफ मी, ओके, तो सब कुछ होने के बाद आपको ये बोलना है, लिख लीजिए आप इसको कोई, इवन दो ये एंड इवन दो हिंदी में बता दो, हिंदी में बोल दो, यद्यपि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, ये मेरे पेट के ऊपरी हिस्से में है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ जल रहा है, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि इस पेट दर्द की वजह से मैं मरी ना जाऊं, तो ये जो इमोशंस उसके अटैच्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको लिखिए सारे इमोशंस को, पूरा वो बना लीजिए, मैं एग्जाम्पल आपको देते जा रही हूँ, इवन ये बहुत अच्छी टेक्निक है ट्रॉमा निकालने के लिए, या बहुत किसी को कोई शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया लाइफ में उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आई स्टिल चूज टू, मैं फिर भी चूज करती हूँ या करता हूँ, खुद को प्यार करता हूँ, मैं फिर भी खुद को प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ, एंड मैं अपने उस हिस्से को हील करता हूँ। अब कोई मुझे बताएगा कि ऐसा क्यों कहा गया,
still I choose to love and accept myself, heal and integrate that part of me. Integration. Integration को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने अंदर धारण करता हूँ. नहीं नहीं धारण नहीं होगा, ये होगा एकाग्र करना, इंटीग्रेट करना, यानी पूरा अंदर लेना किसी चीज को. नहीं नहीं गूगल पे कोई सर्च मारेगा इंटीग्रेट का हिंदी मीनिंग, समाहित करना अपने अंदर, समाहित करना. समाहित करना सही है. समाहित के अलावा भी है एक बहुत परफेक्ट वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा मैम. एकीकृत करना. हाँ एक ही वर्ड रखेंगे, वो चार नहीं रखेंगे. कोई एकीकृत करना है उसका, एकीकृत करना. हाँ फिर भी खुद को प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ और अपने आप को हील करता हूँ और एकीकृत करता हूँ जो भी है. समाहित करना अगर आपको ज्यादा ठीक लगता है तो मुझे तो वो भी ठीक लग रहा है. मैं अपने अंदर एक्चुअली जो EFT है, जो आपकी मेरिडियंस हैं, उनकी एनर्जी को ओपन करता है और उनका जो एनर्जी फ्लो है उसको मेंटेन करता है. उससे आपकी एनर्जी बॉडी में बहुत पावर आती है, जिससे आपके फिजिकल बॉडी में जो भी है एनर्जी ब्लॉक है वो रिलीज हो जाता है. ओके सो इट्स ओपन द पाथवे. जो ये एकत्रित करना है, मैं अपने पेट को हील करता हूँ और एकत्रित करता हूँ, ये एकत्रित करना चाहिए. मैं खुद को प्यार करता हूँ और खुद को स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को हील करता हूँ, एकाग्रीकृत करता हूँ. ये एकीकृत इसमें शायद कुछ हो आएगा कि जैसे मैं खुद को हील करता हूँ और मैं खुद की अच्छी ऊर्जाओं को एकत्रित करता हूँ, क्योंकि एकत्रित तो कुछ तो करना है ना. एकत्रित क्या कर रहे हैं? खुद को वही मैं बात करने वाली हूँ आपको कि एकीकृत करने का क्या है कि क्यों किया जाता है ऐसा, वो मैं आपको. इंटीग्रेशन आप खुद का कर रहे हैं खुद के अंदर, पर ऐसा क्यों? कोई मुझे जवाब देना है. जैसे इकट्ठा करना, एकत्रित करना होगा, जैसे इकट्ठा करना, जैसे हम अवेकनिंग करते हैं जब वहां. एकीकृत करना अलग बात है, एकीकृत करना अलग बात है, इकट्ठा करना अलग बात है. वो किसी भी चीज को एकीकृत मतलब अपने अंदर एक बना लेना किसी चीज को. वही होता है इंटीग्रेशन का मतलब, वही होता है कि अपने अंदर किसी चीज को लेके अपना बना लेना उसको, ये मैं ही हूँ. तो अब आप ये बताइए ऐसा हमको क्यों कहना पड़ता है? कोई आइडिया किसी को? मैम क्योंकि जब हम लोग को कोई परेशानी होती है तो हम खुद के लिए अपने लिए ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं और अपनी बॉडी को ही सोचने लग जाते हैं कि मुझे ही ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरा शरीर ऐसा है, इस टाइप से शायद. परफेक्ट, इन्होंने एकदम सही आंसर दिया कि जैसे ही हमको कोई प्रॉब्लम होने लगती है हम खुद को ही खुद से अलग होने लगते हैं. बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो लगता है अरे बॉडी की जगह कुछ और होता तो ज्यादा बेटर था, ऐसा लगता है ना, छोड़ो इसको. अपनी बॉडी को ही छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, हम खुद को छोड़ने को तैयार हो जाते. बहुत सारे लोग तो मरने को तैयार हो जाते हैं कि अरे मर जाओ बढ़िया, इतना दर्द है ये वो. तो जब हम अपनी ही बॉडी को छोड़ देते हैं तो जब हील हो जाएगा कोई चीज तो उसको हम वापस एकीकृत नहीं करेंगे, करेंगे ना, उसको वापस भी तो लेंगे. अब बॉडी को छोड़ के ही थोड़ा ना काम चलेगा हमारा, बॉडी तो हमारे साथ रहनी चाहिए और उसके लिए पॉजिटिव इमोशंस भी रहने चाहिए.